हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज है 9 अगस्त, आपको शायद पता होगा दोस्तों। तो मैं जा रहा हूँ झाबुआ और मेरे साथ है शिवम, इस तरफ देख सकते हो आप। हाय तो दोस्तों। हम दो जने जा रहे हैं और हमारे फ्रेंड लोग आगे हैं, तो मिलाते हैं इनसे भी। और वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी मस्त वीडियो बनने वाला है क्योंकि आज है हमारा आदिवासी दिवस। तो जो भी वहाँ होगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और बने रहना वीडियो पे। ऐसे ही चलो इन्जॉय करो। तो हम फाइनली रोड की तरफ आ चुके हैं और हमारे भाई लोग देख सकते हो इस तरफ है, अपना सोनू भाई और दिलीप भाई। और गाइस तो अभी हम जा देख रहे सकते हैं हो, झाबुआ। तो हम जा रहे हैं झाबुआ। आज है 9 अगस्त, आदिवासी दिवस। तो चलो देखते हैं कितना मज़ा आता है मेले में और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो सब दिखाएंगे। इस तरफ मोनू भाई है, विश्वास भाई है, फिर हेलो रोहित भाई फ्रेंड। है, छुप रहा है देख लो हाय। पीछे, और छुप साथ में मेरे साथ है नहीं शिवम है। तो हम जा रहे हैं सब यार दोस्त। फाइनली रोड पे आ गए हैं और जा रहे हैं हम बाइक से, और हमारे पीछे हमारे भाई लोग देख सकते हो ये। और एंजॉय करना वीडियो को और लाइक कर देना, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो कंटिन्यू रहना वीडियो पे, चलो। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मेघनगर, जिला झाबुआ, तहसील मेघनगर। तो मैं वहाँ पर जाकर आपको बताने वाला हूँ 9 अगस्त क्यों मनाई जाती है, आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा हमारे आदिवासी लोग क्यों आदिवासी दिवस मनाते हैं, 9 अगस्त क्यों मनाते हैं, रैली क्यों निकालते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए और समझने के लिए मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखना। तो यहाँ पर हम रुके हैं अपने अग्रवाल में, यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड जो बाकी थे वो भी आ चुके हैं और गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि आगे कौन डलवाएगा। और बारिश भी आने का माहौल बन रहा है, तो बारिश नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे फ्रेंड लोग जो भी बाकी थे वो भी आ चुके हैं और निकलते हैं झाबुआ के लिए। इंजॉय करना वीडियो को, कर देना लाइक, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं फूल तालाब, और फूल तालाब यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक, धीरे धीरे हमारी आदिवासी पब्लिक जमा हो रही है। और यहाँ जमा होने के बाद फिर एक साथ नारा लगाते हुए काकनवानी की तरफ निकलेंगे। तो आप बने रहना, मैं आप लोगों को पूरा यहाँ का जो भी रीति रिवाज है, जो भी बोलेंगे, जो भी बताएंगे हमारे आदिवासी समाज के लिए, वो आप लोगों को बताने के लिए और दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी पब्लिक आना चालू हो चुका है और जमा हो रही है, धीरे 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 बहुत सारी पब्लिक होने वाली है। इस तरह हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में रैली निकाली जाएगी, नारा निकाला जाएगा। ये हमारे आदिवासी समाज जागरूकता करने का है दोस्तों। तो ये हमारे यहाँ पे फूल तालाब में आदिवासी रैली निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे फ्रेंड लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं और डीजे वगैरह भी आ चुके हैं, और यहाँ पे यहाँ से रैली जाएगी काकनवानी के लिए। तो आप बने रहना, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को क्या क्या होता है, कैसे नाचते हैं। Yeah.
लोग और भी आगे पीछे है, सब आ जाइए आगे। सभी लोग आगे आ जाइए और महिलाओं को सुरक्षित रखिए। अपने बीच में कुछ महिलाएं भी हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए क्योंकि वो अपनी बहन बेटी है। और थोड़ी सी इधर आ जाइए, थोड़ा सा साइड दे दीजिए ताकि वो आगे उनको भी दिखे। उनको पता, उनको भी होना चाहिए कि अपने समाज, थोड़ा सा दूर दूर दूरी बना लीजिए, कोविड का ध्यान भी रखना है अपने को। आ जाइए आगे आइए आप लोग। अरे आप लोग त्योहार है यो, आप लोग हाँ आप लोग बिल ना देवा रहे हैं। तो चलो इसी के साथ जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, हम आगा हम आगा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। खाटे ने धार जीरा रे ये छोटा सा अपन ये जो हाँ परंपरा परंपरा ये भैया ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए आप चलिए भैया ऊपर आ जाइए एक मिनट। हाँ ये पूरा शूट कर लेना ये जो। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, हम आखा एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अब मैं बोलूंगा कि जय जोहार का नारा है, आपको बोलना है भारत देश हमारा है, चलो ठीक है ठीक है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। चलो अब अपन अपनी बात रखते हैं दोस्तों। आप अपन क्यों इकट्ठा हुए हैं आप सब लोगों को पता है नहीं है, चलो मैं ही बता देता हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त, इसमें पूरी दुनिया के आदिवासी समाज जो अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए इकट्ठे होते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम आदिवासी हैं, इस देश के मालिक हैं। आदिवासी का मतलब होता है सालों सालों से, हजारों सालों से उस भूमि पर रहने वाला इंसान। इसका मतलब यह हुआ कि अपने से पुराना कोई नहीं है। आदिवासी शब्द है वो गर्व करने लायक है, आदिवासी मतलब इस देश का मूल मालिक। और आज ये तो भैया लोग कर रहे हैं टंटिया भील जो है, ये हमारे पुरखे हैं, इनको हम निमंत्रण आ ली रहा इन्हें। और आने वाले टाइम में हम यहाँ पे थोड़ी देर और वक्ताओं का भाषण होगा और इसके बाद यहाँ से रैली जाएगी। अपन सब समझदार है, ऐसे थोड़े से फैल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग भी थोड़े से इधर से फैल जाइए, लड़कियां पीछे भी जी। ये प्रोग्राम पूरा शूट हो रहा है ना। अब 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, संयुक्त राज्य संघ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस 193 देशों में मनाया 193 देशों द्वारा मनाया जाता है। अपना खून हमेशा खोलता रहना चाहिए। हम कौन है, आदिवासी शेर है, कौन है, आदिवासी शेर है। और आदिवासी शेर जब दहाड़ता है ना तो यहाँ दहाड़ेगा और मेघनगर तक आवाज जानी चाहिए, सही है कि नहीं है। अरे आदिवासी शेर है तो दहाड़ेगा तो आवाज जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, जानी चाहिए ना। तो फिर बोलो जय जोहार का नारा है,
कि हम हमारा विश्व आदिवासी दन हो, आप सब भेल है ने, आप सब आदिवासी भेल से, तो आप अपने भेल भाषा में हम बात करी। जैसे कि हमारे वश में बहने हमन बताड़ियो कि विश्व आदिवासी दिवस हम होका मनावे रहा, तो विश्व आदिवासी दिवस लगभग घना वर्षों थी निकलेलो से एक यूनो द्वारा घोषित करेलो दन से, पण आपो बदा अपन मालम नहीं हती, पण हाउ बदा जेम जेम आदिवासी सोरा युवा भणता जैरा शिक्षा मेळवता जैरा तेम तेम इने वात्यों जाणता जैरा तेम तेम आगळ बढ़ता जैरा, तो आज हमो आदिवासी समाज एकदम घना समय थी पुराना समय में एकदम पिछड़ापन में पड़ेला, तो हमारी तरफ कोई भी जे भी बात कहवानी से के आज आदिवासी दिवस खास करीन के 193 देशों द्वारा बनावेलो देश से अने हमारा भारत देश ने अंदर इतरो नथी पण पूरा विश्व में यो आदिवासी दन मनावामां आव्यो से, यो हमारा आदिवासियों नो हुसे एक त्यौहार से, बोलो हुसे हमारो त्यौहार से, अने ना त्यौहार ने हमो धूमधाम थी मनावानु से, अने खास करीने हमारा जो बेरोजगार अने भणेला सोरा इने दुनिया में घणा रखड़ेरा से मोटी मोटी डिग्रीओ लीन तेना आज तक हमारा भाईओ हाथे हमारा आदिवासी समाज हाथे अत्याचार थयरो, तेना नौकरी नहीं मळी रही, तो आज इनो जिम्मेदार कोण से, इनो जिम्मेदार कोण से, जो शासन से त्यो अने धर्म जो नेता नेता लोग से जो खरेखर राजनीतिक पार्टीओ से ते कई प्रकार ना हमारा लोगों पर अत्याचार करी रहा अने शोषण करी रहा से, तो खास करे हमोन आदिवासी भाइयों एकदम अगल आवानो से अने ने बद्दी वातियों ने एकदम ध्यान में लेवानी से, अने ना के हमो कहना हाते लड़ाई करिए पण हमो नियम ने अनुसार हमारा हक ने लड़ाई लड़वानो से, अने आपनो 9 नंबर कॉलम लेवानो से दिल्ली में पड्यो से जो हताड़ेलो जो खोलावानो से इने हरु ताकत लगाड़वानी से पूरा आखा आखा विश्व में ताकत लगाड़वानी छे आखा भारत देश ने, अने टीटो बिल बिरसा मुंडा या अंग्रेजों हाथी बहु भारी लड़ेला नाई नाई जंगलों में पड़ी रहा अने टोलियो बनाया पांच बीजा बनाया दस आदमी बीजा बनाया टोलो करियो तमो आई रहो हूँ आई रहो से राति अंग्रेजों लूटवा जाए पासा फिर अंग्रेजों मारे फिर अंग्रेज इन्हें मार देला तेने रान सोदू अंग्रेजों मारी मारी नहाड़ा नहीं रान सो तो खदेड़ा दरिया पहली बार काट देता पर आपड़ो होनो सांधी लेता गया नहीं रान ने सो समुद्र में जात पड़ी इन्हीं रान ने खा लू या आपो फील के भाई करना था जो भी नाचना था हमारे आदिवासी समाज को वो फाइनली यहाँ पर नाच लिया और अब जाएगी रैली मेघनगर से काकड़वानी जाएगी, तो आप बने रहना आपको दिखाऊंगा मैं ये रैली कितनी जाने वाली है, तो काफ़ी सारी पब्लिक हो चुकी है हमारे जी जोहार जय आदिवासी जी चलो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हो आप हमारे फूल तालाब से हमारी रैली आदिवासी समाज की निकल चुकी है, ये फूल तालाब से मेघनगर होती हुई काकड़वानी जाएगी, काकड़वानी से वापस रिटर्न आएगी, तो यहाँ पर हमारे आदिवासी भाई लोग सब आ चुके हैं इस रैली के अंदर, तो इस तरह हर गांव में हर शहर में हर मार्केट में इस तरह रैली निकाली जाती है, हमारे 9 अगस्त के दिन आदिवासी दिवस बनाया जाता है, तो आप वीडियो में समझ गए होंगे किस वजह से 9 अगस्त क्यों मनाई जाती है, आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा, तो अभी ये रैली निकलेगी और बताएंगे कि हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी हैं और रहते हैं इस धरती के ऊपर, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज का नाम डूबा रखा है, बहुत लोगों ने आदिवासी समाज को नीचे गिरा रखा है, तो इस
आदिवासी दिवस 9 अगस्त के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आदिवासी हम किसी से कम नहीं। बोलो जय जोहार, जय आदिवासी। तो इस तरह हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, हर जगह इस तरह हमारे आदिवासी दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त मनाई जाती है, क्योंकि हमारे जो परदादा हमारे सब आदिवासी दिवस मनाते थे और मनाते हैं और मनाते रहेंगे, और लोगों को ज़रूर हम बताएंगे कि हम आदिवासी किसी से कम नहीं। तो इस तरह ये रैली निकाली जाती है और पूरी हमारे झाबुआ ज़िला के अंदर घुमाते हैं रैली को। हम दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हम आदिवासी किसी से कम नहीं, क्योंकि हमारा नाम, हमारा पता, हमारा बहुत कुछ नीचे गिरा रखा है, हमारे समाज को नीचे गिरा रखा है। तो हम जागरूक करना चाहते हैं इस 9 अगस्त आदिवासी दिवस के माध्यम से, इसलिए ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ पर। तो आप लोग को कैसा लगा ये हमारा आदिवासी दिवस का वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कौन कौन है आदिवासी, कौन कौन है हमारे समाज के नागरिक, तो कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। तो काफ़ी सारी गाड़ियां आ चुकी है और सब जाएगी अभी, ये रोड मेघनगर के लिए निकल चुकी है, मेघनगर से काकनवानी के लिए रवाना होगी, काकनवानी से वापस रिटर्न आएगी। दोस्तों मैं फाइनली घर पर आ गया हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।